हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है यूरिनो जेनिटल सिस्टम ऑफ स्कॉलियम। यूरिनो जेनिटल सिस्टम ऑफ स्कॉलियम, ठीक है। अब यूरिनो जेनिटल सिस्टम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो सिस्टम कंबाइन होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है वो है एक्सक्रेटरी सिस्टम, और जो दूसरा है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, तो ये जो सिस्टम कंबाइन होता है तो उसे यूरिनो जेनिटल सिस्टम कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसका फीमेल का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज हम इसका मेल का जो सिस्टम है वो देखते हैं। तो इसमें अब देखिए, एक्सक्रेटरी सिस्टम में इनमें क्या होंगे, नेफ्रॉन या किडनी। नेफ्रॉन क्यों? क्योंकि किडनी में ही नेफ्रॉन होते हैं, तो मेन पहले हम नेफ्रॉन किडनी कहेंगे, और इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट है वो नेफ्रॉन है। अब जो नेफ्रॉन है उनमें भी क्या है, वोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। ये सारा कंबाइन होके इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम बनता है। अब जो इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम है, ये इसका जो किडनी है वो किस टाइप की होती है, तो अब हम वो देखते हैं। तो इसकी किडनी होती है मेटानेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक। अब इसे मीजोनेफ्रिक क्यों कहते हैं, देखिए। तो सबसे पहले जब इसका जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के साथ साथ इसका जो किडनी है वो भी डेवलप होती है। तो जो इसका इनिशियल पॉइंट है, और जब किडनी बनना स्टार्ट होता है, तो ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं, तो इसे प्रोनेफ्रिक कहते हैं। जब ये प्रोनेफ्रिक यहीं पे होते हैं, और ये क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, मतलब ये यहाँ से हट जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये जो इसकी जो ये लाइन है ये और नीचे बढ़ती है, और यहाँ पे और इसके ये पार्ट बनते जाते हैं, ये पार्ट वाला। तो जो स्कॉलियम है उसमें इस टाइप की किडनी नहीं पाई जाती है, उसमें ये बीच वाले जो पोर्शन है इस टाइप की किडनी पाई जाती है। तो ये पूरा एक ये टाइप से, मतलब इसमें ये पूरी यहाँ से यहाँ तक लाइन होती है, लेकिन ये पोर्शन नहीं होते, बाकी ये पूरा होता है, और ये सारे होते हैं, इसे मीजोनेफ्रिक कहेंगे। तो जो स्कॉलियम है उसमें मीजोनेफ्रिक होता है। अब इसमें जो किडनी होती है स्कॉलियम में, वो दो पार्ट में डिवाइड है। दो पार्ट में कैसे, जो ऊपर वाली है उसे हम कहेंगे एपिडिडाइमिस, ठीक है। अब इसे वॉल्फियन डक्ट भी कहेंगे, वॉल्फियन डक्ट भी कहेंगे। इसके बाद जो ये वॉल्फियन डक्ट है या एपिडिडाइमिस, जो ये कैसी होती है, नॉन एक्सक्रेटरी, मतलब एक्सक्रेशन में इसका कोई योगदान नहीं होता है, तो ये नॉन एक्सक्रेटरी होती है। और इसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी जो वेसल्स है वो इसमें पाई जाती है। तो यहाँ से ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, तो ये पूरा एक सिस्टम बन गया यूरिनो जेनिटल। इसके बाद हम देखते हैं, जो नीचे वाला इसका पोर्शन होता है वो एक्सक्रेटरी होता है, और इस वाली डक्ट को हम कहेंगे ऑपिस्थोनेफ्रोस कहेंगे। तो अब हम इस डायग्राम में देखते हैं अच्छे से। तो देखिए, ये ऊपर वाला पोर्शन एपिडिडाइमिस, और जो नीचे वाला ये ऑपिस्थोनेफ्रोस है। अब ऑपिस्थोनेफ्रोस में क्या है, छोटी छोटी वेसल होती है, उस वेसल का नाम है ट्यूबल्स।
तो ये छोटी छोटी ट्यूबल्स होती है, तो ये सारे छोटे छोटे ट्यूबल्स कंबाइन होके फिर एक सिंगल ट्यूब में खुलती है। ये छोटी छोटी है इसमें खुल दी है, और ये जो छोटी छोटी है एक बड़ी जो डक्ट है उसमें खुलती है, और इस बड़ी डक्ट का नाम है यूरेटर, ठीक है, हिंदी में मूत्रवाहिनी। तो इसमें खुलती है, और इसके बाद ये पीछे से आके यहाँ पे ये क्लोका है, इसमें ये एक साइनस है, इस साइनस का नाम है यूरिनोजेनिटल साइनस। तो ये साइनस में खुलती है, ये इसमें जो किडनी है दो होती है, एक इस साइड और एक इस साइड, तो दोनों से जो एपर्चर है दोनों के अलग अलग एपर्चर इस साइनस में आके खुलते हैं, और यहाँ पे कंबाइन होके फिर यहाँ के ऊपर एक पेपिलाय होता है, यूरिनोजेनिटल पेपिलाय, और वहाँ से फिर ये बाहर निकलते हैं। तो ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम था। अब हम देखते हैं इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, तो अब हम उसमें क्या देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव में क्या क्या होते हैं, तो हमें पता ही है रिप्रोडक्टिव में क्या होंगे, टेस्टिस होंगे, फिर इसकी जो सेमिनिफेरस जो डक्ट है वो होंगी, इसके बाद सेमिनल वेसिकल, ठीक है, और जो उसके बाद ये बाहर निकल जाएगी। तो अब हम इसमें इसका सिस्टम देखते हैं, तो देखिए ये है टेस्टिस, ये ब्लू दो ये टेस्टिस है इसकी। टेस्टिस के बाद में यहाँ पे ये टिश्यू होता है, नॉन ग्लैंडुलर होता है, तो ये टिश्यू से यहाँ पे ये रेड कलर की है, ये रेक्टल ग्लैंड है। इसका हमने डाइजेस्टिव में भी देखा था कि इसका ये क्या वर्क करती है ये हमें पता नहीं है, तो ये इससे कनेक्ट रहती है। इसके बाद ये यहाँ पर ऊपर ये पेरिटोनियम होता है, इस पेरिटोनियम का नाम है मेसोर्कियम। ये देखिए ये येलो कलर का पूरा है, इसे मेसोर्कियम कहते हैं, ये पेरिटोनियम होता है इससे ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद जो ये टेस्टिस है इसमें जो जर्म सेल्स है उससे स्पर्म जो बनते हैं, स्पर्म बने, ये स्पर्म यहाँ से फिर बाहर आते हो, तो यहाँ से जो ट्यूबुल्स होती है छोटी छोटी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, उनका नाम है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वेसा एफरेंशिया, ठीक है, ये इसका नाम है। और यहाँ से आके फिर ये वॉल्फिन डक्ट में आती है, और यहाँ पे ये सिलिंड्रिकल होती है, सिलेंडर के शेप में होती है। अब जो ये यहाँ से जब ये बाहर निकलती है, तो यहाँ से बाहर आते ही इसका नाम चेंज हो जाता है, यहाँ पर तो वैसा एफरेंशिया था, यहाँ से आते ही इसका नाम हो जाएगा रेस डिफरेंस, ठीक है ना, यहाँ से आते इसका नाम चेंज हो गया। तो यहाँ से जो स्पर्म आते हैं उसके लिए एक मीडियम तैयार करता है ये जो डक्ट है होती है, ट्यूबल्स होती है ये। इसके बाद जब ये इसका सिलेंडर का शेप यहाँ पर आते ही ख़त्म हो जाता है, और यहाँ से फिर ये सीधी होती चली जाती है एकदम, ठीक है, और थोड़ी मोटी हो जाती है। तो इस वेसल का नाम है सेमिकल वेसिकल। तो सेमिकल वेसिकल में आते ही यहाँ पे जो वैसे डिफरेंस है, यहाँ पे इसका जो न्यूट्रिशन है वो तैयार होता है, जो उसका जो स्पर्म है उसका न्यूट्रिशन करती है। और सेमिकल वेसिकल में आके इसको मीडियम मिलता है, और मीडियम से फिर यहाँ पे ये कलेक्ट होती है, ठीक है ना, यहाँ पे ये कलेक्ट होती है। और जब सिचुएशन आती है, जब फेवरेबल सिचुएशन आती है, तब ये यहाँ से बाहर निकलते हैं, और यहाँ से भी, क्योंकि इस टाइप इस तरह जो सिस्टम हो रहा है वो इस तरफ भी होगा, तो इस तरफ भी ये स्पर्म यहाँ से बाहर निकलते हैं। इसमें भी जो एक्सक्रीटरी में क्या होता था, अलग अलग एपर्चर है उससे बाहर निकल रही, तो इसमें भी अलग अलग एपर्चर से ये यहाँ पे साइनस में बाहर निकल रही, ये पूरा साइनस है, साइनस में बाहर निकल गए। और साइनस के बाद में साइनस के जो ऊपर एक बड़ा सा जो एपर्चर होता है जो बाहर की ओर खुलता है उसे यूरिनोजेनिटल पेपिलाय कहते हैं, उससे फिर ये बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, ये इसका ये था, ठीक है। अब इसमें जो हेल्पर्स जो ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से हैं, अब हम वो देखते हैं। वो हेल्पर जो ऑर्गन है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही काम में आते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में नहीं है।
और एक यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर के हैं इनको स्पर्म सैक कहते हैं। अभी इसका कोई वर्क क्या काम करते हैं वो कुछ पता नहीं है। मेरे हिसाब से लगता है कि हो सकता है कि ये स्पर्म को कलेक्ट करते हो और यहाँ पे जमा करके रखते हो, मे भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अब हम इसके जो हेल्पर ऑर्गन है वो देखते हैं। तो इसके हेल्पर ऑर्गन दो होते हैं, एक तो होते हैं क्लेस्पर और दूसरे होते हैं साइफन। तो देखिए जो ये क्लास्पर है, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो एक जो भी कैविटी होती है वो कैविटी यहाँ पे जो जिस एपर्चर से खुलती है उसको कहते हैं एपोपाइल, एपोपाइल। और जो पीछे की ओर खुलती है उसको हम कहेंगे हाइपोपाइल, ठीक है ना। जो आगे की और खुलती है उसको एपोपाइल कहते हैं। अब ये एपोपाइल किस टाइप में काम आता है, जो ये क्लेस्पर है ये जैसे कि जब कपलेशन होता है तब इंट्रोमिटेंट ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं, तरह वर्क करते हैं। अब इंट्रोमिटेंट क्या होता है कि प्रवेशी ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं। अब इसका जो वर्क है वो किस स्टेप में होता है वो देखते हैं। पहले साइफन देखते हैं। तो जो नीचे की ओर इसकी स्किन है यहाँ के नीचे साइफन होते हैं, मतलब एक थैली की तरह स्ट्रक्चर होता है, एक बैग की तरह, जिसमें जैसे कि ये स्टेप में मैंने माना कि ये एक बैग है। इसमें दो चैनल्स होते हैं, मतलब एक सिंगल ये एक और ये दूसरा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये कपलेशन करते हैं तब क्या होता है, इसमें पानी भर जाता है, पानी भर जाता है। तो ये क्या करते हैं, फुल फोर्स से बाहर निकलते हैं। तो ये जिसका एपर्चर है वो इसके एपोपाइल के, जैसे कि ये एपोपाइल है और ये इसकी ये जैसे कि बैग है, तो इसका ये एपर्चर यहाँ पे खुल रहा है और ये भी यहाँ पे खुल रहा है, तो दोनों साथ में खुलते हैं। तो जब पानी फुल फोर्स से निकलेगा तो ये इसको भी धक्का देके बाहर निकालेंगे। तो ये बाहर निकलते ही फिर जो फीमेल क्लोका है उसमें चला जाता है। तो इस टाइप से ये वर्क करते हैं। तो ये था हमारा यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ स्क्वाड्रन, वो भी मेल का। नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल यूरिनोजेनिटल सिस्टम को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।